एक दूजे के वास्ते हम दोनों में सिर्फ आर्मी स्कूल ही कॉमन है। पर एक बात कहूं, हमारे बीच इंप्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। फिलहाल हम एक साथ प्ले करने जितना कॉर्डियल हो जाएं, उतना ही काफी है। ओके सुमो, आई मीन सुमन, वैसे आज का सेशन बहुत अच्छा रहा ना, अपना नंबर दो। नंबर? वो जो आगे हमें प्रैक्टिस करनी है ना प्ले के लिए, उसके लिए लिखो 98 98 187 187 124 124 एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। वाह मिया, चाय पीना तो हमें भी खूब पसंद है, लेकिन 10 साल में आज तक हमसे तो कभी ना की ये चाय पे चर्चा है। तू कर क्या रहा यहाँ पे? अबे तुम्हें ही तो खोजते हुए आए थे हम यहाँ, लेकिन तुम्हें लड़की के साथ देखकर हम खुद ही खो गए। अरे नहीं, वो तो मैम ने मिलने के लिए बोला था, बस इसीलिए मिल रहे थे भाई। अबे ये तो आर्मी स्कूल की फायदे वाली बात है। अरे हमारा ही स्कूल है जहाँ एक तो सब टीचर एक ही चीज बड़बड़ाती रहती है, एक कमबख्त लड़कियों के साथ मत घुमा कर। एक बात बता, जब तुम्हें सामने से मौका मिल रही है तो फिर बाजी क्यों नहीं मार लेते? यार वो मेरे टाइप की नहीं एक्चुअली। भाई मेरे टाइप की तो ये है। चल भाई बंटी, बाद में मिलते हैं। ओ भाई सही है, दिल तो तुम्हारा पीछे के टेबल वाली लड़की पे मर रही है, और जिस लड़की के साथ तुम इस टेबल पर बैठे थे उसका किया। अरे हाँ हाँ, तूने उसे मेरी तरफ से बाय बोल देना, और क्या ना मैं कॉल करूंगा उसे, ठीक है? चल भाई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये तुम्हारे लिए। Oh my God! So pretty. पर ये किस लिए? बस ऐसे, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ खास देना चाहिए तो मैं ये तुम्हारे लेके आया। पर अब जरूरी भी तो नहीं है कि हर गिफ्ट के पीछे कोई रीजन। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। पंती तुम? श्रवण कहाँ है? कहता है कि सेल्फिश नहीं है, मेरे साथ आया था और अब। अरे रुको, अच्छा। वो तुम्हें बाय बोलने को बोल के किया है, फिर बाद में कॉल करेगा। अरे 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 रुको, अरे अरे रुको तो सही। स्कूटी पर जा रही हो? बाजार तक छोड़ दोगी थोड़ा? प्लीज प्लीज प्लीज। सिविलियंस हमेशा रॉन्ग साइड। एक ये गलत साइड से वो देख करके आगे निकल जा रही है, और एक ये जा रही है। कितने अनस्टेबल हो, पकड़ के नहीं बैठ सकते? मुझे नहीं, पीछे। केंद्र की तरफ पीछे पकड़ के बैठ रही हूँ मैं, अब तो आराम से भी दर्द कर रही है। तुम्हें पकड़ के? बिल्कुल नहीं, इससे बेटर होगा कि अगले झटके पे नीचे गिर जाना। अच्छा सुनो, एक स्टोरी सुनोगे? हैं? अच्छा बता ही देता हूँ। एक बार ना मैं और श्रवण फिल्म देखने गए थे, और मैंने दोनों के लिए टिकटें निकाली थी, पर तभी उसका कोई एक पुराना दोस्त मिल गया और वो उसी के साथ निकल लिया, और मैंने दो टिकटों पे एक फिल्म देखी, वो भी अकेले। ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस क्लियर कर रहा था कि श्रवण जो है वो सिर्फ दोस्त के साथ जाता है, वो गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो लगता है कि देविका की किस्मत खराब है। ओ अच्छा, और क्या क्या लगता है श्रवण के बारे में? कुछ नहीं लगता,
क्लासमेट है वो मेरा बस, बट तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? मैं तो सुनो सर, एक एक आलू टिक्की निपटा दीजिए, वहीं पर है। टिक्की खानी है? हाँ। एक एक टिक्की मतलब एक ही प्लेट में एक टिक्की तुम्हारी और एक टिक्की मेरी? मैं भी यही सोच रहा था। उतरो। अभी खाएंगे क्या? जाके खाओ अपनी टिक्की और पैदल डाइजेस्ट करते हुए आना। टिक्की नहीं पसंद तो कुछ और खा लिएंगे। मैं आइसक्रीम बड़ी पसंद है। तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। अरे 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 रुको तो। अरे यार हेलो। हाय सुमो, श्रवण दिस साइड। सॉरी रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई सुमो नहीं है। अरे अरे लिसन लिसन, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था एक्चुअली डबल सॉरी बोलना था मुझे। दूसरे सॉरी का मैं क्या करूँ? बिना बताए निकल गया ना आज कैफे से, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। तो गर्ल्स को इम्प्रेस करना काम है तुम्हारे लिए? ओ तो तुम तब तक वहीं पर थी? हाँ। अब देखो वो क्या है ना कि काम तो काम होता है और मुझे इस काम में मेहनत करने में बहुत मजा आता है यार। हाँ देखा मैंने। एक्चुअली तुम्हें ना एक बात बतानी थी, जब मैं देविका के साथ होता ना मुझे इतना स्पेशल फील होता है कि बस 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 मुझे नहीं जानना, प्ले के बारे में बात करो, उसका आगे क्या करना है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम एक काम करो जल्दी से रेडी होके मेरे घर आ जाओ, हम वही रिहर्सल करेंगे ठीक है। मैं क्यों आऊँ? तुम आना, तुम्हें 10 कदम चलने में भी आलस आता है। अरे वो मैं एक्चुअली आ तो जाता बट प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हारे घर में वो आर्मी रूल है ना कि 8 बजे का डिनर नहीं मिलेगा और मुझे ना उसी टाइम भूख लगती है, तो प्लीज तुम आ जाओ। ठीक है कितने बजे? तुम ना आराम से डिनर करके 8:30 बजे तक आ जाओ ठीक है। यार होल्ड, बंटी कहाँ गया? अरे सुमन तुमने बंटी को देखा क्या? टीटी नगर के 56 भोग के यहाँ टिक्की खा रहा होगा, मेरे साथ खाना चाहता था एक ही प्लेट से, मैंने उसको वहीं उतार दिया। तुम्हारे साथ एक ही प्लेट में? उसे तो मैं टिक्की खिलाता हूँ आज। हाँ हाँ सी यू बाय। अरे अरे लिसन सुमन, अरे क्या लड़की है यार ये, नहीं मुझे कहीं जाना है कंचा। अच्छी बहन नहीं बन सकती तो अच्छी बहाने बनाना तो सीख। पेश है आज का स्पेशल की मामी समैया, मेवों से मिश्रित इलायची से सजी हुई, शक्कर से भरपूर और पिछले शनिवार के गाजर के हलवे की तरह। अरे अब देगा भी? थैंक यू। डबरू मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सच में डमरू बहुत अच्छी बनी है। हेलो, हाँ गुप्ता जी। जी एक्सक्यूज मी आंटी, मैं प्लीज ना। अरे नहीं अभी बहुत देर से देख रहा हूँ क्या चल रहा है। इसे मेरे साथ लेट नाइट जाकर हॉरर फिल्म देखनी है, बोल रही है कल संडे है इसलिए। तो कल क्या सूरज देर से निकलने वाला है? ठीक है चलो भाई एक्सक्यूज मी। मेरा सूरत से क्या कंपटीशन? वो निकले अपने टाइम पे, मैं तो लेट से उठ सकती हूँ ना माँ। बिल्कुल भी नहीं, खुद भी सो और सुमन को भी मत बिगाड़ समझी, चल जा बहुत लेट हो गया चल। चाची, अरे चाची प्लीज सुनो तो। चाची चाची आप ना मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट चाची हो, प्लीज आप रुक जाओ। सादा ड्रामा मत करो, मैं तेरी इकलौती चाची हूँ और मेरे ही मायके में ब्याह है, मैं ही ना जाऊँ। अरे अब उन्हें मत रोको ना, एक काम करो आप भी साथ चले जाओ, वैसे भी ना पापा आपके बिना बोर हो जाएंगे। तू ना चुप कर, खुद तो ये बहाना मार के यहाँ रुक गई। अरे तो तू चल ना हमारे साथ, तू क्यों रुक रहा है? मम्मा अब समझा करो ना, सुमन आ रही है प्ले के रिहर्सल के लिए, नहीं जा सकता मैं। तो कर लेना ना रिहर्सल, हमें क्यों रोक रहा है भाई, हमें जाने दे, देर हो रही है, चलो भाई। तो पागल है बोलता रहेगा कुछ। चाची भैया सुमन कब आने वाली है? मुझे ना बहुत नींद आ रही है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सोने की, तो जब तक सुमन यहाँ रहने वाली है तो जागने वाली समझी। भैया वो ना एक लड़की है, कोई भूत नहीं है जो आपको खा जाएगी।
थोड़ा चिल मारो ना यार। अरे प्लीज ना, सुन तो। और हाँ, कोई शोर नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी उठ के असाइनमेंट करना है, सो गुड नाइट। हाय। हेलो। आओ ना। अंकल आंटी, वो मम्मी पापा ना किसी फंक्शन में गए हैं, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, कॉफी नहीं, चाय लेगी तुम? नहीं, डिनर के बाद कुछ नहीं। ओके। अंकल आंटी अवनी सब गए हैं? वो ना अवनी सो रही है, सुबह उठ के उसे असाइनमेंट करना है, बट मैं बुला के लाता हूँ अभी। नहीं, इट्स ओके। अच्छा तुम बैठो तो सही। तुम्हारी बहन होकर वो सुबह जल्दी उठ जाती है, इम्प्रेसिव। अंकल आंटी वापस कब तक आएंगे? आ जाएंगे थोड़े टाइम में। वैसे तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? डर मुझे? मम्मी सो रही है। तो कहीं और रिहर्सल कर ले। मेरे रूम में चले? डरोगी तो नहीं? हो प्लीज, खुद को ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। चलो। पहले आप। Are you serious? क्या हुआ? ये तुम्हारा रूम है, इतना साफ। रूम इतना साफ और ये फोटोग्राफ्स इतनी फैली हुई। कजिन्स? एक्स गर्लफ्रेंड्स। एंड आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारे सामने सब कुछ ऐसे ही आ गया। मुझे सभी अभी शिफ्ट किया ना, तो धीरे धीरे करके सेटल कर रहा हूँ। यानी कि तुम्हारी हिस्ट्री काफी कलरफुल रही है। बस सब भगवान की दया से। पर पता है, मुझे आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला सोमा। ये नताशा है। सोचा था इसके साथ ग्रीस जाऊंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा, पर ये चोर नहीं निकली, मेरा सारा सामान चोरी करके भाग गई। और फिर? फिर क्या, ग्रीस तो नहीं गया पर उसके पीछे मुंबई जरूर पहुंच गया, सीधा उसकी शूटिंग पे। ओ, ये एक्ट्रेस है? मॉडल थी, टोटा, आई मीन गॉर्जियस। और ये गॉर्जियस क्या निकली? डाकू? नहीं, उल्टा इसने मेरी चोरी पकड़ ली। इसे पता चल गया कि मैं अंडर एज हूं। शी वाज 28 एंड आई वाज 17। आजकल के बच्चे भी ना क्रेजी। ओके सॉरी, ये वाली? ये सिर्फ मेरे गुड लुक्स की वजह से मेरे साथ थी। राइट, क्योंकि तुम तो भोपाल के ब्रैड पिट हो। ओ हेलो, हैंडसम तो मैं हूं ही, वो बात अलग है कि आप किसी का टेस्ट ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। यू नो व्हाट, ये सब मुझ पे मरती थी। और अब देविका भी। हाँ यार, इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि इस बार कुछ स्पेशल होगा। मेरी गट फीलिंग कहती है, देखना तुम। नॉट इंटरेस्टेड। ए, डोंट टच दैट, मैं दिखाता हूं। इतने बड़े बैडमिंटन चैंपियन का ऑटोग्राफ, ये कैसे? पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट है।
तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हें मेडल्स और ट्रॉफीज भी गिफ्ट कर दिए। ओ हेलो, ये सब जीता है मैंने। टैलेंटेड बंदा हूं मैं, पर कभी घमंड नहीं किया खुद पे। ये वाला देखो, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। I hate to admit it, but I'm quite impressed. Thank you. स्क्रिप्ट निकालो, रिहर्सल करते हैं। हाँ। आई एम रेडी। लाइन याद है? मुझे तो स्कूल में भी यही लगा था, पर ट्राई करता हूँ। खुद तो बाहर घूम रही है और मैं यहाँ घर पे बोर हो रही हूँ। आज नहीं सोना ऐसे जल्दी। लोग सैटरडे नाइट को आउटिंग्स पे जाते हैं और एक ही घर है, यहाँ पे तो फिल्म देखने पे भी कॉफी हुआ है। मुझे ना पूरी लाइफ में कोई नहीं मिलने वाला। #sadnightsadlife। वैसे मैं भी तो देखूं ये लकी चिक है कौन? कौन है ये? अच्छा, तुम जाओ और चाहे तुम दुनिया में कहीं भी रहो, बस दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, तुम्हें वापस लौटकर मेरे पास आना है, और दूसरी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन? ये सुमन की बच्ची श्रवण के रूम में क्या कर रही है? मैं लौट कर आऊंगा हीर, मैं लौट कर आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। मुझे हंसकर विदा करो। बाकी कल? हाँ, मैं भी थक सा गया हूं अजीब से करेक्टर से। अजीब? और नहीं तो क्या, जब पता है वॉर इतनी डेंजरस होने वाली है तो बॉर्डर पे जाना ही क्यों है? इट्स लाइक चूजिंग योर ओन डेथ। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। काम समझ के कर लो। अच्छा सुनो तो चलो बाय। अच्छा लिसन, घर तक छोड़ देता हूँ। तुम मुझे छोड़ोगे? हाँ। मेरे घर तक? हाँ। फिर तुम्हें वापस छोड़ने कौन आएगा? हाँ? मैं अकेले वापस जा सकती हूँ। I'm self-sufficient. Don't worry. अच्छा? Self-sufficient. तो चेयर पे सेफली लैंड नहीं कर सकते क्या? हाँ? अब वहां तो लड़का चेयर पुल करके दे, और जब यहाँ शिवलरी दिखा रहा हूँ तो सेल्फ सफिशियंट बन रही हो। मतलब कंफ्यूज लोग हो यार तुम। तुम रहने दो, गुड नाइट। बड़ी अजीब लड़की है यार। What?
जब घर की जवान लड़की पैर दबाकर चलने लगे ना, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या मतलब? कुछ भी बकवास करती रहती है, जो मन में आए बोल देती है। और जब लड़की रात को पड़ोसी लड़के के घर जाके उससे अकेले मिलती है, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि उसका अफेयर चल रहा है। चल रहा है क्या? जी नहीं, पागल हो गई है क्या? चली हाँ, मैंने जो देखा ना उसे देख के तो मुझे पागल हो ही जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हुई। तो कहाँ थी, क्या कर रही थी, मुझे सब मालूम है। ओ, अब मुझे समझ में आया कि तू मुझे क्यों श्रवण की बाइक के पीछे नहीं बैठने देती थी। सुमन, लॉन्ग प्लान हाँ? क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ और तू श्रवण के साथ रास कर रही है ना? क्या यार सुमन, पहले मुझे देविका ने धोखा दिया और अब तूने। कैसा धोखा? ओ हेलो, सिर्फ प्ले का रिहर्सल करने गई थी उसके घर पास। ये ले। ओ, यानी तेरे और श्रवण के बीच में कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी? मैं और श्रवण, तुझे लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल तो कुछ भी है ना। तेरा दिमाग खराब हो गया कंचा, वो एकदम वाहियात लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला टाइप का सिविलियन बॉय है और तेरा उस पे कोई फोकस नहीं है। एग्जैक्टली। तू कहती है तो मान लेती हूँ, बट रिमेम्बर मेरी नजर हमेशा रहेगी तुझ पर और उस पे, समझी? चुपचाप जाके सो जा, अगर नींद खुलेगी तो नजर रहेगी ना। वेरी फनी। गुड नाइट। गुड नाइट। झूठ बोलता है और आवारा सा है, या वो है जिसकी वो सारी ट्रॉफीज और मेडल्स हैं? पता लगाना पड़ेगा। हमारी माँ है ना, ऐसे चोटी पकड़ के बिठा देती थी गरम गरम तेल लगाने के लिए। अरे बालों का ध्यान रखो अपने, वरना छड़ जाएंगे सारे। वैसे लड़का बहुत मेहनती है, देख कैसे पढ़ते पढ़ते थक के सो गया। क्या बात है, बड़ी मेहनत हो रही है। और नहीं तो क्या, मेहनत लगती है तभी बात बनती है, ऐसे ही नहीं हो जाता अपने आप सब कुछ। देख देख बाल देख इसके। हाँ हाँ देख ही रही हूँ, बस सोच रही थी कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, पता चला कहीं फिसल विसल गए तो। इतनी मेहनत ना चाची, इस कंचा देवी के बालों में मत करना, वैसे भी इसे बिना देखे बिना जाने फिसलने की आदत है। सुमन ओहो, शुभ शुभ बोलो, कहीं कुछ चोट वोट ना लग जाए किसी को। वैसे अभी जो है वो क्या कहते हैं, सब सेफ जोन है, पर अब जो दिख रहा है आगे की गारंटी। ये जो तेरा वन ट्रैक माइंड है ना कंचन। श्रवण, श्रवण, श्रवण। ये मुंह पे काई क्यों लगा रखी है? फेस पैक पापा, गुड फॉर स्किन। बेटे के भविष्य का सोच के इस बूढ़े बाप की नींद उड़ी हुई है, सोचा कुछ छोड़ जाऊं। नीचे बैंक वाले बैठे हैं इसका साइन लेने के लिए, और इसको देखो, अब इनविटेशन कार्ड छपाऊं क्या नीचे आने के लिए? दो मिनट में आ रहा हूं ना बाबा। जल्दी मुंह साफ करके नीचे आ। ठीक है। जल्दी। इसे बड़ी ऐसी आ रही है मुझे।
वैसे कुछ भी कहो, लड़का अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखता है। क्या की कर रहे हो तुम लोग, कुछ सीखो उससे। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, अपनी सुमन है ना ऑलरेडी निकल पड़ी है सीखने के लिए यार। वैसे जिस तरह से उसके पापा चिल्लाए गुस्सा कर रहे थे, इधर बैठ के हमें क्या पता कि वो सच में पढ़ रहा था या एक्टिंग कर रहा था। वैसे कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। ये सब जीता है मैंने, टैलेंटेड बंदा हूँ मैं, पर कभी घमंड नहीं किया खुद पे। सही कहा, जो दिखे या दिखाया जाए जरूरी नहीं कि वो सही हो, ट्रॉफीज भी झूठ बोल सकती है। भाभी आपको भी दे दें। नहीं श्रवण इधर आ, साइन करवा लीजिए। ये बैंकर्स के जाते ही आप एक बार भाई साहब से बात कर लीजिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्या ये पापा, 10 करोड़ की इंश्योरेंस करवा रहा हूँ अपनी। भाई जिंदा रहते हुए नहीं, कम से कम मरने के बाद तो अपनी फैमिली की ऐश करवाऊंगा। हाय हाय, सवेरे सवेरे कैसी मनोज बातें कर रहे हो आप। मजाक कर रहा हूँ। हाय ये दाल, भाई साहब कुछ बात करनी थी। बस एक बार ये साइनिंग हो जाए फिर बात करते हैं। मैं जाऊं? ओके बाबा। राजेंद्र भाई तू भी साइन कर ले। मैं क्यों भाई साहब? अरे अवनी अभी 18 साल की हुई नहीं ना, तो तुझे ही साइन करना पड़ेगा। श्रवण के साथ साथ मैंने अवनी को भी 50% का नॉमिनी बनाया। देखा भैया, ताऊ जी ने हमें 10 करोड़ दिए हैं। अब तेरे पास भी तो मेरे ही हैं, क्योंकि तू तो शादी करके दफा हो जाएगी। Excuse me, लड़की उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा हक मारोगे। और वैसे भी ताऊ जी ने ना साइन किया है 50-50। ये ले तेरा 50। बता क्या बात करनी है। भाई साहब आप कल फंक्शन में नहीं आए। अरे हाँ यार, वो पता नहीं कल टाइम ही नहीं मिला, इतना बिजी था मैं। लेकिन मैंने रागनी के पापा को सॉरी बोल दिया था, और मैंने 11,001 का शगुन भी भेज दिया उन्हें। शगुन कम तो नहीं था ना? यही होता है, जिस घर में बेटे होते हैं वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हर वक्त हंसी मजाक शोर शराबा रौनक लगी रहती है। और जिस घर में बच्ची है वहाँ शांति। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। यार मम्मी हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? अरे सिर्फ बोलती हैं, मीन नहीं करती। इतनी तैयारी, कहाँ चली मम्मी की सवारी? तुम्हें बताया था ना AWWA की मीटिंग है, कैन जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगी। आप मीटिंग अटेंड कर लेना, मैं पापा से मिलूंगी। मैं बस अभी शैम्पू करके आई। जल्दी आ जाओ। हाँ जी पापा, आपने बुलाया। बाइक ढंग से चला लेता है? चला लेता है पापा, मैं तो बाइक को बहुत ढंग से चलाता हूँ पापा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। पार्किंग करनी आ गई है या क्या बोल रहे हो पापा? कितने दिनों से बाइक चला रहा हूँ, पार्किंग नहीं आती होगी मुझे। तुम्हारी पार्किंग के तमाशे देख चुका हूँ मैं। वो तो आपने बुलाया था ना पापा, कुछ काम था आपको। कैंट में ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह जी हैं, उन्हें जाकर ये फाइल देनी है, समझा? ठीक है। और सुन, पार्किंग सही जगह पे करना, समझ ना आए तो किसी से पूछ लेना प्लीज। जी पापा। वैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपना नॉमिनी बनाया, और अब आप वैसे बच्चों की तरह मुझे बोल रहे हो। चल जा। अच्छा एक कर्नल साहब को दे देना। मामी मैं पापा से मिल के आती हूँ। तो तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? मुझे सब पता है वो इस टाइम कहाँ होते हैं।
मॉर्निंग। ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह कहाँ मिलेंगे? सभी ऑफिसर बैडमिंटन कोर्ट में उस तरफ। ओके, थैंक यू। यस, कम ऑन। भाई ये ब्रिगेडियर समर प्रताप जी कौन है? कम ऑन विजय, कम ऑन। गुड आफ्टरनून अंकल। हेलो सर। हेलो सर, पापा ने देवराज मल्होत्रा जी ने फाइल दी है। यस, कम ऑन विजय, यू कैन डू इट। जब मैं एक लड़के के पीछे मुंबई तक जा सकता हूँ तो तुम्हारे पीछे यहाँ नहीं आ सकता क्या? मजाक कर रहा था, चल सीरियस हो गए तुमको। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। हेलो। हेलो अंकल, ब्रिलियंट गेम। थैंक यू। बैडमिंटन खेलते हो? नहीं नहीं अंकल, मैं खेलते हो? पापा ये तो चैंपियन है, इसका गेम देख के तो साइना नेहवाल भी शर्मा जाए। पुलेला गोपीचंद फैन है इसके। श्रवण, तुमने पापा को अपने ट्रॉफीज के बारे में नहीं बताया? नहीं नहीं अंकल, ये तो तुम और इतना मॉडेस्ट। पापा आपके थकने से पहले ही ना ये आपको हरा देगा, इतना कमाल का खेलता है। अच्छा, हो जाए फिर एक एक मैच। नहीं नहीं अंकल, मतलब वो ट्रॉफीज और मेडल्स तुम्हारे नहीं है, मेरे ही है। एक एक फ्रेंडली मैच, आ जाओ। अंकल रणवीर, रैकेट। अंकल प्रॉपर शूज भी नहीं है। सब हो जाएगा, शूज लेके आओ इनके लिए। थैंक यू। शूज? नो नो।
मैच सिर्फ एक पॉइंट से हार गए हैं, लेकिन अच्छा खेले, वेरी गुड. थैंक यू अंकल. यू आर राइट सुमन, अच्छा खेलता है. इनफैक्ट तुम्हें साथ खेलना चाहिए, गेम इंप्रूव होगी दोनों की. ये इसे तो मैं चुटके में हरा दूंगा सर. अच्छा, बी केयरफुल, मैंने ट्रेन किया है, हरा नहीं पाओगे. चाहो तो बेट लगा लो. और अगर मैं जीत गया तो जो इनाम मांगोगे दूंगा. एक सेकेंड आए. और हारे हुए चैंप, तुम तो बड़े डेयरिंग हो. पापा से हारने के बाद भी उन्हें चैलेंज कर दिया. अपना एक और जहाँ हर रोज खेलते हो, अपनी ऑडियंस जो हर शॉट पे चेयर अप करे, वहाँ जितना कौन सी बड़ी बात है. अपनी हार ना एक्सेप्ट करो, थोड़ी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आओ. तुम ना अपनी लाइन याद रखना, जिस दिन हराऊंगा ना तब काम आएगी तुम्हारी. मीरा, जब मैं इस आर्मी की दुनिया में आई थी ना, तो मुझे भी थोड़ा समझने में वक्त लगा था कि ये सारे लोग, उनकी बटालियन, ये सब विजय का परिवार है, जिसका मैं भी हिस्सा हूं. जैसे तुम हमारा परिवार हो. बेटा, समझने की कोशिश करो. आप लोगों ने पहले ही. मीरा, हम सब जानते हैं कि कैप्टन नारियल बहुत ही स्वाभिमानी थे. आर्मी भी मदद कर रही है और हम भी तो उसी परिवार का हिस्सा हैं. पर मुश्किल वक्त में तो परिवार ही काम आता है ना. और वैसे भी हम सब तो सिर्फ अपनी एक एक दिन की सैलरी दे रहे हैं, जिससे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा घर खर्च और बेटी की पढ़ाई मैनेज हो जाएगी. बड़ी बहन को ना तो नहीं कहोगी? जैसा आपको ठीक लगे. तो ठीक है, आज ही हवा की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर को अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन दे देते हैं. और रिवर्स वाला बहुत अच्छा है. लेकिन बस एक आध दिन में एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और अपने बैंक अकाउंट्स तुम दे देना. ठीक है. चलिए, मिलते हैं. नमस्ते. नमस्ते. कुछ डिसीजन हुआ? सब अपनी एक एक दिन की सैलरी देकर हेल्प करना चाहते हैं. बस कमांडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी है, अप्रूव कर देंगे ना. अंजलि, प्रोटोकॉल है इसलिए एप्लीकेशन तो चाहिए. और जहां तक अप्रूवल का सवाल है तो उसके लिए अभी डिसाइड कर लेते हैं. बॉयज, मार्टर कैप्टन प्रकाश की फैमिली को हमारी मदद की जरूरत है और आवा को लगता है हम सबकी एक एक दिन की सैलरी देने से ऐसा हो सकता है. आप सबको क्या लगता है? हम सब एक यूनिट है, हम साथ हैं सर. जी सर. गुड, डिस्पर्स प्लीज. और आपकी यूनिट के बाकी लोग? उसने कहा ना, हम सब एक यूनिट है, कोई मना नहीं करेगा. एक वो फैमिली है जो घर पे है और दूसरी ये. मैं बहुत लकी हूं. सुमन. हेलो आंटी. हाय बेटा, तुम यहाँ? वो पापा की एक फाइल लेने के लिए आया था. ओह, अच्छा सुमन, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम जाओ. श्रवण, तुम अगर घर जा रहे हो तो सुमन को ड्रॉप कर दोगे प्लीज? श्योर आंटी. इतना कितना टाइम लगेगा मम्मी? मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ थोड़ी देर और. बेटा जिद मत करो, मम्मा को अपना काम खत्म करने दो. हाँ, वैसे भी इनकी कई बात ऐसे ही थोड़ी ना मानूंगी. आज कार्ड साइन करवाऊंगी, देख लो. तुम जाओ. ठीक है, बाय पापा. बाय बेटा, टेक केयर. सोल्जर. बाय अंकल. बाय बेटा. बाय आंटी. बाय. तुम्हारी दो दो फैमिली है, पर देखा, घर छोड़ने के लिए जरूरत तो मेरी पड़ी ना. दो दिन पहले मैंने भी तो तुम्हें लिफ्ट दी थी जब तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी, भूल गए? So you are the one who's paying me back.
हाय दद्दू। हाय। तुम्हारे लिए सिर्फ ब्रिगेडियर, समझे? बी फॉर ब्रिगेडियर, बी फॉर भुट्टा, बी फॉर भूला नहीं कुछ अभी तक। क्या? बाइक की सर्विस करवानी थी, अभी याद आया मुझे। बास्केटबॉल खेलना सीखना है ना, तो बॉल छीन। अबे लूजर, बॉल नहीं दिख रही क्या तुझे? अब ले। नहीं तो उस। बॉल लेना, बॉल लेना, बॉल लेना। उठ जा यार। तो ठीक है ना? हाँ। आजा, बॉल ले। आजा, बॉल ले, बॉल ले। बड़ी, बास्केटबॉल सीखना है ना? हाँ, हाँ। तो फिर बॉल छीन। हालत देख रहे हो तुम इसकी? अरे यार, हम तो सब इसे बास्केटबॉल खेलने सिखा रहे थे। He's your buddy. अपने बड़ी को कैसे तंग करता है? और तुम? अरे सुमन, ये क्या बात हुई यार? अनीश, I'm warning. अगर तुमने दोबारा इसे तंग किया ना, तो मैं सीधा सर से कंप्लेन करूंगी। ये कोई तरीका नहीं अपने बड़ी को ट्रीट करने का। और तुम क्यों सहते हो ये सब? अपने लिए खड़े होना, अपने लिए बोलना सीखो साहेब। और ले गया आज मैं ले आऊं, नहीं तो यूज्ड हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहता हूँ बेबी। भाई भाई भाई, श्रवण श्रवण, हट ना। क्या हुआ? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रॉकस्टार, तू ग्रेट है। वो तो पता ही है मुझे। अभी तू जा यहाँ से, लड़की का वेट कर रहा हूँ। गले मत लग। लड़की की तो बात है। क्या नाटक कर रहे हैं? करा तो तूने है यार, सब बदल दिया। पहले यहाँ सिविलियन की औकात और अब मेरी किस्मत। हाँ ठीक है, तू एंजॉय कर, जा, मैं बिजी हूँ। गौर से देखे साथ को, आज उसे किसी ने छुआ, एक लड़की ने, इसी से पकड़ के बचाया उसने मुझे। छोड़ यार, जाओ उसी के पास। पूछ तो सही वो कौन है, ग्रेड वन की लड़की। सही है। स्कूल की प्रिंसेस। तो अच्छा है ना, तू अभी जा यार, प्लीज। कर्नल की बेटी, ब्रिगेडियर की पोती, सुमन तिवारी। क्या? सुमन? मेरी सुमन? मेरी बड़ी सुमन? क्या बात कर रहे हैं? ग्रेड वन की लड़की में तेरा हाथ पकड़ा? तू ना मत दो तीन, तेरा लाइफ सेट है ब्रो। भाई संभाल के रख, दैट सीरियस ब्रो। है ना, मुझे भी लगा कहीं सुमन को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। प्यार? एब्सोल्युटली मेरे भाई, मुझे तुझसे प्यार हो गया। सोच, सुमन का साहिब। साहिब की सुमन। भाई तेरी लाइफ सेट है, जा इंप्रेस कर उसे। जा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।